हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया में आने वाली टॉप 10 इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बारे में। चाहे आपके पास इलेक्ट्रिक गाड़ी हो या सादा पेट्रोल या डीजल वाली गाड़ी हो, लेकिन याद रखना आपने सीट बेल्ट जरूर बांधी हो और सरकारी नियमों का जरूर पालन करें, क्योंकि यह आपकी सुरक्षा के लिए है। आप सभी का नमस्कार। क्यूरियस फैक्ट के सभी दर्शकों का एक बार फिर से नए वीडियो में स्वागत है। अगर आपको इलेक्ट्रिक गाड़ी लेनी है और बाज़ार में से आपको कोई भी गाड़ी पसंद नहीं आ रही, तो आपकी समस्या को दूर करने के लिए हम हाजिर हैं। वीडियो शुरू करते हैं छोटे से इंट्रो के बाद। नंबर 10, Hyundai Kona EV। Hyundai कंपनी की गाड़ियों के दीवानों के लिए Hyundai Kona EV पहली पसंद होने वाली है। Hyundai Kona 9 जुलाई 2019 को लॉन्च हो चुकी है। यह भारत में दो वर्जन में उपलब्ध होगी, पहला 39 किलोवाट आवर की क्षमता के साथ, वही दूसरा 64 किलोवाट पर आवर की क्षमता के साथ, जो कि 300 से 480 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। छोटी बैटरी वाली गाड़ी 136 पीएस प्रति 395 न्यूटन मीटर ऊर्जा उत्पन्न करेगी, वही बड़ी बैटरी की गाड़ी के साथ वही ऊर्जा 204 पीएस प्रति 395 न्यूटन मीटर होगी, जिसमें अच्छा म्यूजिक सिस्टम, पावर, ड्राइवर सीट, 8 इंच का इंफॉर्मेशन स्क्रीन, 1 घंटे में 80% चार्ज जैसे फीचर्स अवेलेबल है। इसकी कीमत 20 से 25 लाख तक हो सकती है। नंबर 9, MG EZS। MG ने भारतीय बाजार में गाड़ियों की बौछार करने का प्लान बनाया है। MG हेक्टर के बाद ये भी गाड़ी लॉन्च हो चुकी है। हालांकि MG हेक्टर तो एक पेट्रोल कार है, लेकिन ये एक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक कार है। यह कार Hyundai की Kona को टक्कर दे सकती है। इसमें कई धमाकेदार फीचर्स मौजूद है, जैसे कि स्मार्ट कनेक्शन टेक्नोलॉजी, रिमोट कंट्रोल AC, रिमोट एंजी स्टार्ट, कई नए बदलाव इत्यादि। एक बार चार्ज करने में यह 6.5 घंटे लेगी और 350 किलोमीटर तक का सफर तय करेगी। वही बहुत सुपर फास्ट DC चार्जर से 1 घंटे में 80% चार्ज हो पाएगी। इसकी कीमत 20 से 25 लाख तक रखी गई है। नंबर 8, निशान लीफ। गाड़ियों की मशहूर कंपनी निशान किसी से पीछे नहीं है। यह भारत में लेके आ रही है निशान लीफ। निशान लीफ दुनिया भर में बहुत पसंद की गई है। अभी से ये भारत में लॉन्च किया जाएगा। इसमें 40 के ड्यूअल एच की बैटरी लगाई गई है, जिसे एक बार चार्ज करने से 400 किलोमीटर तक जाएगी। इसमें अब गजब ई कार्ड पैनल टेक्नोलॉजी मिलेगी, जिसमें एक ही पेडल में एक्सेलरेशन और ब्रेक का काम कर पाएगी। यह गाड़ी सभी आराम और सभी सुरक्षाओं से पूर्ण होगी। इसकी कीमत 30 लाख लगभग हो सकती है। नंबर 7, महिंद्रा EKUV 100 एंड XUV 300। महिंद्रा कंपनी भी भारतीय बाजारों में मजबूत पकड़ बनाने के लिए कामयाब रही है। महिंद्रा ने हाल ही में एक खबर दी है कि उनकी कंपनी ने दो नई इलेक्ट्रिक गाड़ी लॉन्च करने जा रही है, जो KUV 100 और XUV 300 के इलेक्ट्रिक वर्जन होंगे। EKUV 100 को 2018 में ही ऑटो एक्सपो में ही सामने लाया गया था। उसकी उस साल लॉन्च होने की उम्मीद थी, पर कंपनी एक सही मौके का इंतजार में है। यह एक बार चार्ज करने पर 140 से 400 किलोमीटर तक जा सकती है और इसमें सभी सुविधाएं उपलब्ध होगी। KUV की कीमत 10 लाख और XUV की कीमत 15 लाख तक हो सकती है। महिंद्रा कंपनी पूरी तरह से भारतीय है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि महिंद्रा ही खरीदे। नंबर 6, टाटा एल्ट्रोज EV। टाटा एल्ट्रोज EV को सभी के सामने 2019 के इंटरनेशनल मोटर शो में लाया गया था। टाटा ने इस अल्फा SRC के आधार पर बनाया है, जिसमें क्रैश के परीक्षण में 5 स्टार की रेटिंग प्राप्त की है। जबकि परंपरागत रूप से प्रचलित एल्ट्रोज जून जुलाई 2019 में लॉन्च होनी चाहिए थी, मगर ये अभी तक भी लॉन्च नहीं हुई। यह भी 1 घंटे में 80% चार्ज हो जाती है और 300 से 400 किलोमीटर तक चलती है। इसमें सभी तरह की जरूरी सुविधाएं मौजूद है। नंबर 5, टाटा टियागो EV। टाटा कंपनी के द्वारा लॉन्च की गई टाटा टियागो बहुत सफल गाड़ी रही। इसे भारतीय ग्राहकों द्वारा खूब पसंद किया गया और इनके भारतीय बाजारों में अच्छी बिक्री हुई। इस बात को ध्यान में रखते हुए टाटा कंपनी ने टाटा टियागो का इलेक्ट्रिक मॉडल लॉन्च किया है, जिसमें 16.2 किलो वॉट आवर की बैटरी लगी हुई है, जो एक बार चार्ज होने पर गाड़ी को 140 किलोमीटर तक चला सकेगी। यह 41 पीएस और 105 न्यूटन मीटर टॉर्क उत्पन्न करेगी, जो इसकी कीमत से हिसाब से सही है। इसकी कीमत 8 से 12 लाख हो सकती है। टाटा भी इंडियन ब्रांड है, तो मैं यही रिकमेंड करूंगा। नंबर 4, मारुति सुजुकी वैगनार बेस्ड EV। मारुति सुजुकी वैगनार
भारत के मशहूर और जाने मानी गाड़ियों में से एक। इसकी भारत के बाजार में अलग ही पहचान है। मारुति कंपनी ने इसकी तरफ और भी ध्यान देते हुए मारुति सुजुकी वैगनार इलेक्ट्रिक मॉडल लॉन्च किया है। यह साधारण वैगनार की जैसी ही होगी। इसे एक बार चार्ज करने से यह 200 किलोमीटर का सफर तय करेगी। यह 2020 के अंत में लॉन्च हो जाएगी। इसकी कीमत 8 से 9 लाख तक बताई जाती है। नंबर 3, ऑडी इट्रॉन। टूरिस्ट गाड़ियों में जानी मानी कंपनी ऑडी इकलौती ऐसी कंपनी बन चुकी है जो पहली एक्सयूवी लग्जरी इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने जा रही है। इसकी कीमत 1.5 करोड़ से भी ऊपर हो सकती है। एक बार पूरी तरह चार्ज होने पर यह 400 किलोमीटर तक चल सकती है। इसमें 2 इलेक्ट्रिक मोटर लगाए गए हैं। यह 200 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड्स को छू सकती है। नंबर 2, जगुआर आईपेस। जगुआर चहेती और जानी मानी कंपनी है। दुनिया भर में पहचान बनाने के बाद अब इसका लक्ष्य भारत में अपनी जगह बनाना है। इसीलिए जगुआर कंपनी भारत में जगुआर आईपेस लॉन्च कर रही है। अनुमान है कि साल 2020 के अंत तक यह कंपनी इसे बाजार में ला चुकी होगी। जगुआर आईपेस 395 एचपी और 495 न्यूटन मीटर टॉर्क पैदा कर सकती है। इसमें AWD सिस्टम होगा। यह 0 से 100 सिर्फ 4.5 सेकंड में ही पहुंच जाएगी। एक बार चार्ज होने पर 480 किलोमीटर जा सकती है। नंबर 1, फोर्ड एस्पायर ईवी। फोर्ड एक मशहूर और सफल कंपनी है। एंडेवर और इकोस्पोर्ट के बाद फोर्ड भारत में अपनी इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने वाली है। इस गाड़ी की मोटर महिंद्रा कंपनी द्वारा बनाई जाने वाली है और वैसे ही गाड़ी महिंद्रा भी निकालेगा। इसमें लगा हुआ मोटर 82 हॉर्स पावर की ताकत पैदा करेगा और 25 किलोवाट की बैटरी 150 किलोमीटर की दूरी तय कर सकेगी। यह गाड़ी कंपनी की सफलता की ओर एक और बड़ा कदम हो सकता है। एक जैसी गाड़ी होने के कारण महिंद्रा और फोर्ड में शायद टक्कर हो सकती है। तो मित्रों, ये थे हमारी टॉप 10 इलेक्ट्रिक गाड़ी जो भारत में लॉन्च होने वाली है। इनमें से आपको कौन सी पसंद आई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और आगे कौन सी वीडियो बनाएं ये भी हमें सजेस्ट ज़रूर करें। मिलते हैं अगली ऐसी ही वीडियो में अमेजिंग फैक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।